क्या ईरानी प्रेसिडेंट रईसी के हेलीकॉप्टर का क्रैश होना हादसा नहीं बल्कि खूनी साजिश है? क्या ईरान से अदावत के चलते इसे अमेरिका, इजराइल या फिर ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने अंजाम दिया, या फिर सत्ता संघर्ष के चलते ईरान में हेलीकॉप्टर क्रैश का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ? आशंकाएं तमाम हैं और इन आशंकाओं को बल यूं ही नहीं मिल रहा है बल्कि इसके पीछे कई तरह की थ्योरी और तस्वीरों की शक्ल में सबूत सामने आ रहे हैं जो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि रईसी के हेलीकॉप्टर का क्रैश होना एक खौफनाक साजिश का हिस्सा है। अब सवाल यह है कि क्रैश कांड का मास्टरमाइंड कौन है, किसने इसे अंजाम दिया? देखिए टीवी 9 भारतवर्ष की इस पुख्ता इन्वेस्टिगेशन। ये तस्वीरें ईरान के तबरीज शहर की हैं, जहां ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और उनके साथ मारे गए सभी 9 लोगों की अंतिम यात्रा निकाली गई। रईसी की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए, उसे देखने के लिए लाखों की भीड़ सड़कों पर उतर आई। लोगों के हाथों में रईसी की तस्वीर और ईरान का झंडा था। महिलाएं, युवा, बूढ़े और बच्चे जिस रास्ते से अंतिम यात्रा गुजर रही थी, अपने राष्ट्रपति को विदाई देते वक्त तमाम लोग रोते बिलखते नजर आए। रईसी की मौत पर ईरान में 5 दिन का शोक जारी है। 23 मई को मशहद शहर में रईसी को दफनाया जाएगा। खैर, चंद रोज बाद राजकीय सम्मान के साथ रईसी का शव तो 2 गज जमीन में दफन कर दिया जाएगा, लेकिन ईरान सरकार के सामने हेलीकॉप्टर क्रैश से जुड़े दफन राज को बाहर निकालने की चुनौती होगी। शायद तभी ईरान में रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच युद्ध स्तर पर शुरू की गई है। न्यूज एजेंसी इरना के मुताबिक IRGC के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद बाखेरी ने बैठक की। इस मीटिंग में हाई रैंकिंग डेलीगेशन को जांच का जिम्मा सौंपा गया, जिसका नेतृत्व ईरान के ब्रिगेडियर अली अब्दुल्लाही कर रहे हैं। ब्रिगेडियर अली हेलीकॉप्टर क्रैश की लोकेशन पर भी पहुंच चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि चंद दिनों के भीतर ईरान हेलीकॉप्टर क्रैश से जुड़ा खुलासा करेगा और इसके लिए क्रैश कांड से जुड़ी हर थ्योरी, हर साजिश को परत दर परत खंगाला जाएगा। सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के लिए सबसे बड़ी पहेली बन चुका है ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तमाम आशंका जताई जा रही है वो ये कि पुख्ता प्लानिंग के साथ रईसी की हत्या की गई, हेलीकॉप्टर क्रैश को साजिशन अंजाम दिया गया। तो वहीं कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है। हालांकि ईरान भी अब तक इसी बात का दावा कर रहा है, मगर सवाल यह है, अगर ये हादसा नहीं बल्कि खूनी साजिश है तो इसका कनेक्शन किससे है? ईरान से है, इजराइल से है, या फिर विदेशी एजेंट इसके पीछे है? दरअसल हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद कई ऐसे सुराग मिले हैं, कई ऐसी थ्योरी सामने आई हैं जो खौफनाक साजिश की तरफ इशारा कर रही हैं। आखिर क्या, ये भी जान लीजिए। कई मीडिया रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट के दावों को खंगालने के बाद अब तक हेलीकॉप्टर क्रैश से जुड़ी 5 बड़ी थ्योरी सामने आई है, जिसे एक एक कर आपके सामने रखेंगे। पहली थ्योरी ये कि जिस हेलीकॉप्टर में रईसी सवार थे, क्या उसके रोटर इस यात्रा से ठीक रोटर बदले गए ठीक पहले और 4 की बजाय 2 रोटर वाले हेलीकॉप्टर से रईसी अजरबैजान पहुंचे, क्योंकि 2 रोटर वाले हेलीकॉप्टर में 8 पैसेंजर को ले जाने की परमिशन नहीं होती है, जबकि रईसी के हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 9 लोग सवार थे। अगर बात दूसरी थ्योरी की करें तो ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के बेटे ने आरोप लगाया है कि प्रेसिडेंट रईसी के हेलीकॉप्टर को क्रैश करने के लिए डायरेक्ट एनर्जी वेपन या फिर स्पेस लेजर का इस्तेमाल किया गया ताकि किसी को भनक भी नहीं लगे और आसमान में ही हेलीकॉप्टर मार गिराया गया। हेलीकॉप्टर क्रैश से जुड़ी तीसरी थ्योरी तो बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है, वो ये कि ईरान के सरकारी रिकॉर्ड से 19 मई का मौसम डेटा डिलीट कर दिया गया। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जिस वक्त रईसी ने अजरबैजान से उड़ान भरी तब मौसम साफ था, मगर चंद किलोमीटर बाद तूफान बारिश और कोहरा छा गया, लेकिन इसकी जानकारी सैटेलाइट वेदर रिपोर्ट में नहीं बताई गई। चौथी थ्योरी हेलीकॉप्टर में रेडियो सिग्नल के ऑफ होने की या फिर उसमें टेक्निकल फॉल्ट होने की बताई जा रही है। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि क्रैश से पहले हेलीकॉप्टर का रेडियो सिग्नल ऑफ था, अब इसे पायलट ने ऑफ किया या फिर इसमें कोई टेक्निकल दिक्कत हुई, फिलहाल इस पर सस्पेंस बरकरार है क्योंकि पायलट ने हादसे से पहले ATC से कोई बातचीत नहीं की।
पांचवीं थ्योरी रूस के दावे पर आधारित है। वो ये कि रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश में इसराइल और पश्चिमी देशों का हाथ है, क्योंकि जिस इलाके में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वो मोसाद का गढ़ है। लिहाजा ब्रिटेन या फिर नेटो के इशारे पर मोसाद ने बड़े ही शातिराना अंदाज में हेलीकॉप्टर को क्रैश किया। आखिर इन तमाम थ्योरी में कितना दम है? क्या ईरान का हाई रैंक डेलीगेशन अपनी जांच में इन थ्योरी पर भी पड़ताल करेगा? फिलहाल इस पर कहा नहीं जा सकता है, मगर क्रैश साइट से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी तमाम तरह के सवाल खड़े कर रही थी, क्योंकि क्रैश के बाद हेलीकॉप्टर के टुकड़े काफी छोटे थे और मलबा बड़े इलाके में फैला था। ऐसे में आशंका जताई गई कि हेलीकॉप्टर में पहले ब्लास्ट हुआ होगा और विस्फोट से छोटे छोटे टुकड़े होने के बाद वो पहाड़ी पर गिरा होगा। इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि आखिरी वक्त पर विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियान को रईसी के हेलीकॉप्टर में क्यों बैठाया गया? क्या ईरान में ही क्रैश कांड का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया? क्योंकि अजरबैजान से 3 हेलीकॉप्टर एक साथ उड़े, लेकिन राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर ही खराब मौसम का शिकार हुआ। ऐसे में इस क्रैश में तमाम थ्योरी के साथ साथ कई किरदारों का नाम भी सामने आ रहा है। आखिर वो कौन है ये भी जान लीजिए। मसलन पहला किरदार इसराइल और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद, दूसरा किरदार अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA, तीसरा किरदार ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6, चौथा किरदार ईरान के अलगाववादी और विद्रोही गुट, पांचवा किरदार उत्तराधिकारी को लेकर सत्ता का संघर्ष। इसराइल अमेरिका की ईरान से अदावत है। ऐसे में ये आशंका बढ़ जाती है कि अरब में जारी घमासान को रोकने के लिए ये दोनों मुल्क अपनी खुफिया एजेंसी के जरिए हेलीकॉप्टर क्रैश की साजिश रच सकते हैं। मुमकिन है इस साजिश में ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी भी शामिल हो सकती है। लेकिन प्रबल आशंका ये भी जताई जा रही है कि खामनेई के बाद रईसी ही ईरान के सुप्रीम लीडर बन सकते थे, क्योंकि ईरान में रईसी के चाहने वालों की तादाद ज्यादा है। खामनेई का उत्तराधिकारी उन्हें ही माना जाता था। ऐसे में रईसी को अपने रास्ते से हटाने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया गया। फिलहाल ये सिर्फ कयास है जिसकी पुष्टि TV9 भारतवर्ष नहीं करता, मगर आज नहीं तो कल हेलीकॉप्टर क्रैश का असली सच तो सामने आ ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।